सो दोस्तों, जैसे कि आपसे मैंने वीडियो के थंबनेल एंड दोस्तों टाइटल में भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जबकि दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो दोस्तों एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर ये निकल करके आ जाती है, एनबीएफसी दोस्तों रजिस्टर्ड है, आरबीआई रजिस्टर्ड है। आपको यहाँ पर दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसी एप्लीकेशन लेकर के आइए जिसमें एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो, जिसमें हम लोन अप्लाई करें तो हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज कंप्लीट प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे मैंने जो है लोन अमाउंट यहाँ पर 1 लाख रुपये यहाँ पर मैंने चूज़ किया है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं जितना भी चाहूं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जो है 1 लाख रुपए से लेकर के मैं 5 लाख रुपए तक का दोस्तों बेहद ही आसानी से दोस्तों लोन ले सकता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर सिर्फ मैं इसे कैलकुलेशन यहां पर मैं करते जाता हूं दोस्तों, और यहां पर जो है मंथली यहां पर जो है हमारा टोटल निकल करके आ जाता है दोस्तों 15 मंथ के लिए। चाहो दोस्तों तो यहां पर मैं इसमें भी क्लिक कर सकता हूं दोस्तों, देख सकते हैं यहां पर जो है इसे जो है मैंने 48 महीने के लिए भी यहां पर मैं कर सकता हूं। और करने के बाद दोस्तों जैसे यहां पर जो जैसे कैलकुलेशन में मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर दोस्तों टोटल मुझे बता देगा कि आपका कितना ईएमआई बचेगा और आपका ईएमआई कितना देना होगा, यानी कि दोस्तों टोटल डिटेल यहां पर निकल करके आ जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग जो है अगर आप लोन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन चाहते हैं जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई झंझट ना हो दोस्तों, और आपको जो है सिर्फ बेहद ही आसानी से दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल जाए, तो इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कर देना। क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो मिस कर दोगे फिर मुझे मत कहना कि भाई एप्लीकेशन कौन सा था। यहाँ पर जो है काफ़ी लोग को क्या होता है, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और चले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर स्किप कर करके, और उनको पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को भी स्किप मत करना, नहीं तो दोस्तों आपको नहीं पता चल पाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों जैसे आप फर्स्ट टाइम आओगे, आपको अपना मोबाइल नंबर दोस्तों डाल करके लॉगिन कर देना है। अब मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दोस्तों जैसे रजिस्टर करोगे तो आपके सामने दोस्तों देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एलिजिबल, देख सकते हैं दोस्तों पर्सनल लोन, यानी कि दोस्तों ऑफर यहां पर बताया जा रहा है 5 लाख रुपए। यानी कि दोस्तों यहां पर जो है मैंने यहां पर जो है सिर्फ अपने यहां पर जो है ना तो अब मैंने अपने यहां पर बैंक डिटेल डाला है, ना तो दोस्तों यहां पर मैंने आधार कार्ड का डिटेल डाला है, ना तो मैंने पैन कार्ड का डिटेल डाला है। अब ऐसे तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो है काफ़ी एप्लीकेशन मिल जाएगा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जिसमें जो है आपको बेहद ही आसानी से रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर तुरंत के तुरंत लोन का ऑफर दिखा देता है। लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, आरबीआई रजिस्टर्ड है, और एक अच्छी खासी दोस्तों डाउनलोडिंग के साथ ये एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी यहां पर जो घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत है दोस्तों यहां पर, आपको यहां पर 100% आपके साथ कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको यहां पर लोन अप्लाई करने के लिए जस्ट यहां पर जो है आपको क्या करना होगा दोस्तों, अप्लाई नाउ में क्लिक करना होगा। यहां पर नीचे देख पा रहे हो दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पर, यहां पर जो है दोस्तों वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट यहां पर जो है हमारा इनएक्टिव आ रहा है। जैसे दोस्तों वेरिफिकेशन यहां पर मैं एक्टिवेट कर देता हूं, उसके बाद दोस्तों लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों लोन ऑफर जो है सभी को 5 लाख रुपए दिखाता है, लेकिन दोस्तों यहां पर आप अप्लाई करोगे तो आपको 50,000, 1 लाख जितना भी आपको मिलेगा दोस्तों वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। एप्लीकेशन का नाम दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को रिवील करने वाला हूं दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, नहीं तो यहां पर आप लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। मैं किसी भी पार्ट में दोस्तों यहां पर एप्लीकेशन का नाम ले सकता हूं, वीडियो को बढ़ा के देखोगे भाई आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हम जस्ट क्या करेंगे, अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर इस तरीके का दोस्तों इंटरफेस आ जाता है आपके सामने निकल करके। अब आपको यहां पर दोस्तों नीचे एक अलाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे दोस्तों अलाउ में क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपको अपना एक ईमेल आईडी दोस्तों रजिस्टर करना होगा। तो यहां पर दोस्तों ईमेल आईडी आपके पास जो भी रहेगा वो आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का लोडिंग लेगा, और आपके दोस्तों उस ईमेल आईडी के साथ दोस्तों यहां पर जो है आपका एक केवाईसी वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो दोस्तों केवाईसी करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं ओनली केवाईसी, एंड दोस्तों यहां पर जो है आपके सामने दोस्तों केवाईसी का प्रोसेस आपसे यहां पर पूछा जाता है। और यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो यहां पर लिख करके भी दोस्तों एप्लीकेशन के नीचे भी लिख करके आ रहा डिस्क्लेमर, आरबीआई रजिस्टर्ड, ठीक है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों यहां पर जो है आपको 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप दोस्तों हम सभी को यहां पर कंप्लीट करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑनलाइन केवाईसी वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करेंगे,
एंड दोस्तों यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशंस को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है आपको इस कंटिन्यू वाले बटन में आपको क्लिक करना होगा, तो चलिए मैं कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपके डिजी लॉकर से दोस्तों परमिशन लेगा, यहाँ पर आपको अपना डिजी लॉकर का दोस्तों ऑथेंटिकेशन के लिए आधार में क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, OTP दोस्तों डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पर जो है आप अपना डिजी लॉकर से यहाँ पर परमिशन दे देंगे, ई KYC कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं एप्लीकेशन का नाम आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर दोस्तों एक OTP जाएगा, OTP डाल करके यहाँ पर जो है आप कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पर जो है डिजी लॉकर के पूरा परमिशन आप दे देंगे। तो चलिए फटाफट से मैं डिजी लॉकर का यहाँ पर परमिशन दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आप जैसे क्लिक कर देते दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा दोस्तों, और यहाँ पर जो है यहाँ पर लिख करके भी दोस्तों साफ साफ आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप हमारी स्क्रीन पर दोस्तों। ओनली दोस्तों यहाँ पर जो है लोन अप्रूवल 5 मिनट के अंदर दोस्तों आपका लोन अप्रूवल होगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या तो दोस्तों अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना ATM कार्ड से भी दोस्तों यहाँ पर जो है ऑटो डेबिट के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है ऑटो डेबिट का मतलब दोस्तों आपका EMI जो है आपके बैंक अकाउंट से कट किया जाएगा, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर नेट बैंकिंग का यहाँ पर आपसे सवाल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास ATM कार्ड होगा तो चलेगा, यानी कि आपका इंस्टॉलमेंट आपके EMI दोस्तों आपके बैंक अकाउंट से कटेगा, इसलिए पूछा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहां पर बात करें तो आपके पास यहाँ पर पैन कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग या ATM कार्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास एड्रेस प्रूफ में होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इन डॉक्यूमेंट दोस्तों किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अब रही बात दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बताया गया इस एप्लीकेशन का दोस्तों कंडीशन है, आप दोस्तों इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एंड यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिख करके आ रहा है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एंड दोस्तों उसकी उम्र की बात करें दोस्तों तो उम्र जो है आपका 19 साल होना चाहिए, 19 साल के बाद ही आपको अप्लाई करना है, नहीं तो दोस्तों आपको जो है अप्लाई नहीं करना है, लोन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है क्या करेंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन वाले इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट योर लोन पर्पस, तो आप इसमें दोस्तों क्लिक करेंगे, आप लोन किस तरीके का यहाँ पर लेना चाहते हैं, क्या आपका प्रॉब्लम है, किस तरीके का आपको है, तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर जो है होम रिलेटेड इशू यहाँ पर डाल देते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर कैटेगरी इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, ये आपसे दोस्तों सारा चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से डालना, मैं स्टूडेंट डालता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो है आपका मंथली इनकम क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों मंथली इनकम डालने के बाद कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना जो है यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों सेल्फी यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है सेल्फी योर, यानी कि दोस्तों आपको जो है अपना यहाँ पर सेल्फी सबसे पहले अपलोड करना है, याद रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर सेल्फी अपलोड करना है। उसके बाद सेल्फी अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना जो है पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस कंटिन्यू वाले बटन में क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों कि एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और अभी तक मैंने नहीं बताया, तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रिवील कर देता हूँ फटाफट से, एप्लीकेशन का दोस्तों नाम है होम क्रेडिट। एंड दोस्तों इस एप्लीकेशन के सबसे पहले डाउनलोडिंग की बात करें दोस्तों 10 मिलियन प्लस यानी कि दोस्तों 1 करोड़ प्लस यूज़र हैं, 4.4 के दोस्तों रेटिंग है और एक शानदार रेटिंग यहां पर मिला हुआ है। एंड यहां पर दोस्तों बात करें इस एप्लीकेशन का यहां पर नाम है दोस्तों देख सकते हैं होम क्रेडिट पर्सनल, यहाँ पर होम क्रेडिट लोन ऐप। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन से जो है आप लोग बेहद ही आसानी से दोस्तों लोन ले सकते हैं, लोन यहाँ पर दोस्तों तुरंत दोस्तों अप्रूव भी हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों ट्रांसफर हो जाता है। एंड यहां पर जो है दोस्तों फिलहाल मुझे जो है लोन नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है मुझे यहां पर इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों भी दर्शाया गया है 10,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा। तो जाइए दोस्तों इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपको दोस्तों इससे लोन नहीं मिलता है तो एक और बेस्ट एप्लीकेशन का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से दोस्तों डायरेक्ट आप जाकर के लोन अप्लाई कर लीजिएगा, लोन मिल जाएगा 100%।